जिस तरह रात में होती है रोशनी की अहमियत, जिस तरह रात में होती है रोशनी की अहमियत, उठाओ कभी कैमरा और बनाओ कंटेंट, तभी समझ आएगा कि क्या होती है मेहनत। हरिओम, तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में, और मैं हूँ HP माचल, डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक छोटे से गांव से। तो आज के मौसम की बात करें तो आज के मौसम को आप देख सकते हैं, घनघोर बादल छाए, पिछले कल जो बारिश हुई है लगता है आज फिर से बारिश होगी। तो इस तरह से हो रखा है आज का मौसम। मैंने पिछले कल लिपाई करी तो आपको मैंने बताया था कि एक त्योहार है, वैसे कल ले हो, लेकिन हमारे गांव में आज से ही स्टार्ट हो जाता है। तो कल जो है हमारे लिए स्पेशल दिन है हमारे लिए, तो क्या सबके लिए, सभी बनाते हैं इस त्यौहार को, ये मैं आपको कल ही बताऊंगी, क्योंकि कल से स्टार्ट है ना तब करके। और आज हमारे यहाँ पे स्पेशली बनाते हैं भल्ले और पूरियाँ वगैरह वगैरह, और भी काफ़ी कुछ होता है लेकिन स्पेशली ये ही होता है भल्ले। तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी आपको कि किस तरह से हम उन्हें बनाते हैं। अभी मम्मी माँ धो रहे थे, उधर से स्टार्ट करते, और कल के दिन का मेरे को बहुत ही ज़्यादा वेट है, तो चलो अभी से दिखाती मैं आपको कि किस तरह से मम्मी क्या कर रहे, कैसे क्या क्या करना है। तो चलो, ये मार रखे थे हमने शाम को ये पानी में डाल के भिगोने के लिए, और इस तरह से निकाले जाते हैं उनके बाहर के छिलके। एक होते बिल्कुल साफ ही, उनके पहले से छिलके निकले होते, बट उतने टेस्टी नहीं होते जितने ये होते, जिनमें मेहनत ज़्यादा लगती है, हमेशा टेस्टी होता है खाने के लिए। ऐसे बहुत बारी करने पड़ते तब जाके इनके सारे छिलके उतरते, ऐसे नहीं। और इस तरह से पानी के साथ करे जाती है छिलके लग गए, और ये देना हमने अब गाय को जो छिलके निकले साइड में। यहाँ पे महासाब कुछ एक छिलके ऐसे रह गए, इनका कुछ नहीं है, तो चलो अब पीसते हैं इनको। पहले जो है देसी सील और बत्ते में करते थे, अब जो मशीनें आ गई तो अब मशीन से ही करते सब, और हम भी जो अब मशीन के साथ ही करते हैं। इतना तो मेरे को पता है मशीन में ना जोर बहुत लगता है। यहाँ पे रख दिया हमने पूरे महापीस के, और इसमें डाले मसाले, हरी मिर्च, हरा लहसुन और सूखी धनिया, और साथ में सूखी मिर्च भी डालिए बिल्कुल बारीक करके, और हल्दी भी डालिए, बस नमक नहीं डाला है, नमक डालेंगे बाद में। अब रखेंगे हम इस महा को मैरिनेशन होने के लिए, शाम तक हो जाएगा ये, तब तक रखेंगे हम इसे अच्छे से ढक के। जीनू को नहला रहे हैं यहाँ बिल्कुल ठंडे पानी से। जीनो लग रहा है। तो कुछ इस तरह से होगी वो तैयार, और बनाना भी स्टार्ट कर दिया, आधा यहाँ से निकाल दिया, आधा बना भी दिए। चलो मैं भी बनाती अब। ओ धूप आ गई सीधे, तो मैं हूँ यहाँ पे बड़ी ताई के साथ में, तो पहले बनाएंगे हम यहाँ पे भल्ले, फिर जाऊँगी मैं अपने घर में। और आपको पता है वैसे मैं कभी इधर कभी उधर, एक जगह तो मेरा ठिकाना है ही नहीं।
छोटे छोटे। ओ भाई तू मैंने जान खा के रखी है। ऐसे ही बनाने क्या? एक इधर धुआं लगे और सामने से धूप आ रही है सीधे। इतने से भल्ले ज्यादा हो गए। सबसे लास्ट में लगाया जाता है नमक, तो इसमें डाल दिया नमक और पानी। तो इसमें पहले भी भल्ले डाल दिए, तब करके पानी ऐसा हो गया। तो इस तरह से बस लग गया अब नमक। छोटी ताई के घर और साथ में ये तवा ले जा रहे हैं, क्योंकि जो ताई के बनता हुआ है ना वो बहुत ही ज़्यादा जलाते हैं। अगर ज़्यादा आग जली तो छोटी ताई के घर में गई, अपने घर में भी बना लिया, अब छोटी ताई के घर में। शाम के टाइम भी मौसम कुछ ऐसा जैसा है, बिल्कुल साफ तो हुआ ही नहीं, कल भी शायद ऐसा ही हो। छोटी ताई बना रहे सबसे पहले यहाँ पे पूरियां, हमने बनाए भल्ले, बाद में बनाएंगे भल्ले, पहले पूरियां। अब चलते हैं घर। ओ बात तो रात भी होगी। लो जी बीत गया आज का ये वाला दिन भी, अब हमें कल के दिन का इंतजार। तो फिर इस वाले ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, बस मैं थक गई, ऊपर से लाइट नहीं थी, ऊपर से ब्लॉग एडिट कर रही है वो। तो अब चलती हूँ मैं सोने। फिर इस वाले ब्लॉग को रखते इतने ही, और आपने करना वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी ऐसी नए ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए।